नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। चप्पल और झाड़ू का समझौता हो गया है। दिल्ली में हुई एक बैठक के बाद आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी के नेताओं ने इस समझौते को सिरे चढ़ा दिया है। दिल्ली में समझौते का 12 अप्रैल को यानी कि आज विधिवत ऐलान किया गया है। इसके मुताबिक हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। 7 सीटें जेजेपी के हिस्से आई हैं, जबकि 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। पिछले काफ़ी अर्से से दोनों पार्टियों के बीच समझौते की कवायद चल रही थी। चूंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को भी साथ लेना चाहती थी, जिसकी वजह से समझौता लेट हो रहा था। आपकी कांग्रेस से समझौते की कवायद तो सिरे नहीं चढ़ सकी, अलबत्ता जेजेपी के साथ इसे अंजाम दे दिया गया है। चुनाव के नतीजे इस बात की तस्दीक करेंगे क्या वाकई आम आदमी पार्टी और जेजेपी को एक दूसरे से समझौते के बाद कोई इजाफा होता है। जींद उपचुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने जेजेपी को बिना शर्त समर्थन दिया था, या फिर यूं कहिए कि बिना मांगे समर्थन दिया था। लेकिन बावजूद इसके जेजेपी कमाल नहीं दिखा पाई थी, जीत नहीं पाई थी। हालांकि दूसरे नंबर पर रही थी, लेकिन जीतने की स्थिति में नहीं आ पाई थी। हरियाणा में स्थिति यह है कि हरियाणा की तमाम 10 सीटों पर इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे से टक्कर ले रही हैं। कांटे की टक्कर है। बीजेपी की हवा का दावा जरूर किया जा रहा है, लेकिन कई बार हवा जो होती है वो उड़ जाती है और सच्चाई धरातल पर दिखाई देती है। कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी को भी चुनाव के बाद ही सच्चाई नजर आए। इतिहास गवाह है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त भी बीजेपी ने शाइनिंग इंडिया का अभियान चलाया था। प्रमोद महाजन उस वक्त बीजेपी के बड़े नेता, इसके सूत्रधार थे। लेकिन जब नतीजे आए, चमक बीजेपी के चेहरे से, बीजेपी के नेताओं के चेहरे से गायब हो चुकी थी और बीजेपी को शिकस्त मिली थी, जिसकी कभी उम्मीद नहीं की गई थी। हरियाणा में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति हो सकती है कि हवा हवा बनकर उड़ जाए और धरातल पर बीजेपी के पास कुछ ऐसा ना बचे जिसकी वो अभी संभावना जता रहे हैं। लेकिन जेजेपी और आम आदमी पार्टी के समझौते के बाद दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में जोश है। दोनों को लगता है कि हाँ, शायद कुछ वोटों में इजाफा हो सकता है और वो मैदान में किसी को टक्कर दे पाएंगे। तमाम राजनीतिक समाचारों के लिए आप देखते रहिए एक मत पोस्ट। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें, ताकि हर समाचार, हर अपडेट आपको तुरंत और सबसे पहले मिले। नमस्कार।